मेंदू वड़ा तो आप कई तरीके के बनाते होंगे, मेंदू वड़ा किसे नहीं पसंद। तो लेकिन आज मैं बता रही हूँ 5 मिनट में बनने वाला बिल्कुल झटपट से ये नाश्ता, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बनकर तैयार होता है, जिसे आप खाते ही इसके दीवाने हो जाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसे कैसे बनाना है तो इस वीडियो को आपको पूरा फुल वॉच ज़रूर करना होगा। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से शुरू करते हैं। अगर मेरे फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहले हमें पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, उसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच जीरा, साथ ही इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरी मिर्च। तो आप तीखे के अनुसार ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंच अदरक लिया है मैंने, इसे भी ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और चटपटा आता है, इसलिए मैंने इसमें यूज कर दिया है। अब क्रिस्प पाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है सफ़ेद तिल, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनता है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम 10 से 20 सेकेंड के लिए भून लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 कप का यूज़ किया है। तो पानी मैंने किस अकॉर्डिंग से डाला है फ्रेंड, इसको लिए वीडियो आप फुल वॉच जरूर करते रहिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसे मैंने कैसे बनाया है बिल्कुल सीक्रेट टिप्स के साथ। तो यहाँ पे दे सकते हैं डालने के बाद। अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और साथ ही डाल देते हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो तीखे के लिए जितना आपको कम ज़्यादा बनाना हो उतना ही आप डालिएगा। अब इसमें 2 कच्चे आलू को मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके रख लिया है, उसे भी डाल देते हैं। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा बाउल नहीं करना है, दे सकते हैं इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेना है 1 उबाल आने तक का, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे दे सकते हैं अच्छे से बॉईल होने लगे हैं, तो गैस का फ्लेम मैं लो कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं 1/4 कप सूजी। जी हाँ फ्रेंड, 1.5 कप पानी में आपको 1/4 कप सूजी ले लेना है। अब इसे हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक दूसरे से ये गाँठे बिल्कुल भी ना बने और बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये डो तैयार हो जाए। तो लगातार इसे हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए गैस का फ्लेम लो करके इसे अच्छे से कुक करना होगा ताकि हमारा ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छे से रेडी होके तैयार हो जाए। तो दे सकते हैं इसी तरीके से हमें डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर लेना है। इसमें बनाने के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए मैं इसे थाली में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और ट्रांसफ़र करने के बाद फ्रेंड इसे हम थोड़ा सा फैला लेते हैं ताकि इसे हम अच्छे से हाथों से मैश कर सकें। तो यहाँ पे देखिए 50% ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इसे मैश कर लूँगी। ज़्यादा ठंडा होने पे ये बिल्कुल क्रैक्स आने लगते हैं, तो हमारे मेंदू वड़ा अच्छे नहीं बन पाएंगे। थोड़ा गर्म ही रहे तभी हाथों में ऑयल लगाकर इसे अच्छे से आप मैश कर सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट डो ये तैयार भी हो जाता है। देख रहे हैं कितना परफेक्ट ये तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखिए हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। अब छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जैसे चपाती का बनाते हैं उससे थोड़ा छोटा भी लेंगे फिर भी चल जाएगा। इस तरीके से बनाने के बाद इसे हम हाथों से रोल करेंगे और टिक्की के शेप में लेके आएंगे। दे सकते हैं इसी तरीके से हमें रोल अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पर दे सकते हैं इसी तरीके से हमने कर लिया है इसे। अब उंगली की सहायता से हम इसमें होल्स कर लेंगे ताकि मेंदू वड़ा शेप में बिल्कुल दिखने लगे और बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके से ये बनता भी है और टेस्ट वैसा ही आता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। जब भी घर में छोटी मोटी भूख लगे या फिर आपको कुछ चटपटा सा खाने का मन हो, बच्चे कुछ जिद करे, तो आप इस नाश्ते को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार होता है और कम समय में झटपट ये सूजी से बना सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। यहाँ पे दे सकते हैं इसी तरीके से हमने सब नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो देख रहे हैं फ्रेंड 1/4 कप सूजी में कितने ढेर सारे हमारे मेंदू वड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हमें सब नाश्ते को बना लिया है। तो चलिए फ्रेंड इसे कैसे फ्राई करना है मैं इसके आगे दिखा देती हूँ, ताकि इसे बिल्कुल अच्छे से आप फ्राई कर सको और तेल भी बिल्कुल ज़्यादा ना सूखे। तो देखिए यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा लिया है कढ़ाई में, और कढ़ाई का हमारा टेम्परेचर हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। डालने के बाद इसमें बबल्स तुरंत आने लगेंगे, तो इस तरीके का हमारा तेल गरम होना चाहिए।
अब इसमें हम डाल के इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिकली अपने ऊपर ही आने लगेगा। तो यहाँ पे दे सकते हैं अपने आप ऊपर आने लगा है, तो इसे हम अलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्प होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी से अमेजिंग सी रेसिपी है, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छी लग रही हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ज़रूर भूलिए। और आज की रेसिपी हमारी कहाँ से देखी जा रही है ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको कोई रेसिपी अगर बनानी हो, अगर मुझसे जो हो सके आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस रेसिपी को बनाने के लिए, चाहे नाश्ते की हो या फिर डिनर की हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसे फ्राई करके निकाल लिया है, और जो बचे हुए हैं उसे भी मैं इस तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। तो बहुत ही हेल्थी झटपट ये घर पर चटपटा नाश्ता तैयार हो जाता है। मेंदू वड़े से बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगेगा, बिल्कुल सेम उसी अकॉर्डिंग लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर तभी आपको पता चल पाएगा कि रेसिपी कितनी चटाकेदार बनकर तैयार हुई है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसका क्रिस्पी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और चटाकेदार बनकर तैयार होता है। तो तोड़ने पे इसे देखा कितने क्रिस्प बने हैं। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर बनाइए, फिर बताइए कमेंट में कैसे बनी है। तो चलिए फ्रेंड इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हर हर महादेव।